ये धनिया कैसे दिया? 5 रुपया। 5 रुपया लेना है तो ले लो। पिछले हफ्ते 3 रुपए था, आज 5 रुपए कैसे हो गया? भाई साहब, हमारा धंधा भी बिल्कुल शेयर बाजार की तरह है, कभी चढ़ता है तो कभी उतरता है, कुछ पता ही नहीं चलता। बहन थोड़ा डिस्काउंट कर दो ना। सुनो, ज्यादा किचकिच मत करो। अरे रे, तुम क्या जानो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अभी तुम ये सब नहीं समझोगी, शादी के बाद सब पता चलेगा। चुप रहो। लगता है बहुत बड़ा कंजूस है भिखारी कहीं का। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई साहब। छोड़ो छोड़ो, तू जैसी औरत से मैं कुछ भी नहीं लूंगा। अरे जा जा, तू क्या खरीदेगा, तेरी 2 रुपए की औकात। आजा आजा, बताती हूँ। बड़ा आया, हाय प्रीति। दोनों में कौन सुपरस्टार है, अभी भी कंफ्यूज हो क्या? क्या बात है, आज तुम्हारे घर में लक्ष्मी पूजन है क्या? नहीं तो क्यों? वो क्या है, पूजा के लिए पंडित जी को लेकर जा रही हूँ इसलिए। अरे अरे रे, ये पंडित जी नहीं है, हमारा रिश्तेदार है। ये ना मुझसे शादी करने का सपना देख रहा है। ये इन्हें सपना देखते रहने दो, मैं हाँ करूँगी तब ना। यस, यू आर राइट। एक काम करो, पहले आप इन्हें घर पर ड्रॉप करके आ जाओ, उसके बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। ओके 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 ओके, यू आर राइट। या सुपर। हाय हाय, आप वही हीरो है ना? आप हैं कौन, ये क्या कह रही हैं? वही, उस दिन जो रोड पर फाइट हुई थी, कुछ याद आया? ये बताइए, आपके सिर्फ हाथ स्टील के हैं या पूरी बॉडी स्टील की है? अच्छा ये बताइए, आप खाते क्या हैं? खाना खाता हूँ। हमारे घर के सारे मर्द भी वही खाते हैं, लेकिन मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता। हेलो, अब है कौन? प्रीति, प्रीति पुरोहित। ये नाम ना मेरे पापा ने पूजा करते वक्त रखा था, यूं ही रखा था, या फिर पुरोहित नाम याद रखने के लिए रखा था, मुझे नहीं पता, बट मैंने प्रीति को रखकर पुरोहित कट कर दिया। आपका नाम? विराट, विराट प्रसाद। किस भगवान के प्रसाद हो? अपने मम्मी पापा का प्रसाद। करेक्ट, वो भी भगवान ही है। ओके, आप यहाँ कैसे? तुम? जान पहचान हो गई, अब फ्रेंड्स, अब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? वैसे मैं भी अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रहा हूँ, पर वो तुम्हारी तरह इतनी बकबक नहीं करते। बकबक करे तो भी चलता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। खैर, उनसे ज्यादा तुम ही बेटर हो। ऑफ कोर्स। ये बताइए, आप यहाँ खड़े खड़े बोर नहीं हो रहे? तुम हो ना? हाँ, क्या मैं? फ्रेंड्स। हाय ब्रो। तुम सब कहाँ चले गए थे यार? सॉरी ब्रो। यही है क्या तुम्हारे यूजलेस फ्रेंड्स? टाइम सेंस, कॉमन सेंस कुछ भी नहीं है। गुरु ये कौन है? मैं भी नहीं जानता। फ्रेंड्स, तेरा गैरेज कहाँ है यार? ये नहीं यार, वो आगे वाला है। चलो बाय। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और तुमने मुझे डिस्टर्ब किया इसके लिए थैंक्स। विराट, फिर कब मिलोगे? ये अब यहाँ हमेशा आता रहेगा। बाय ब्रदर। बाय बाय। कीर्ति सर, आज फाइनेंशियल मीटिंग है ना? यस सर, 12 से 1 तक फाइनेंशियल मीटिंग है, नेक्स्ट लंच ब्रेक एंड 2:30 की पोल्यूशन बोर्ड मीटिंग है, एंड अराउंड 5 वी हैव डिस्कशन विद ऑल डिपार्टमेंट्स। सो स्मार्ट। यप। ओके सर। सर, यू हैव एनी प्रोजेक्ट प्लान्स? या कीर्ति। यस सर। Thanks. Sir, project plan. Hope this is what you're looking for. Yeah. Dinesh, sir. Kurubak अभी तक नहीं आए हैं। शाम 5 बजे मीटिंग है। सारी फाइल्स उन्हीं के पास हैं। Oh, sorry sir. I forgot. Excuse me. Yeah, boss is leaving. Yeah, okay, okay, fine. Bye, bye, bye. I will call you back. Sir, वो already spot पर हैं and these are the papers. You're too smart, Kirti. Kirti, yes, come sir. With me. मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। लेकिन वो पैसा तो मेरे पति का उन्हें है ना? मैं जानता तक नहीं। अपनी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और मेरा काम स्मूथली होगा, ये सोचा था मैंने। उस पैसे को मैंने इस रिश्ते की कीमत पर दिया था। ये प्रोजेक्ट मेरी ही कंपनी को मिलना चाहिए, वरना मैं मीडिया के सामने जाऊंगा और बताऊंगा कि 100 करोड़ रिश्वत ली है आपने। जब तूने पैसे दिए थे उसी वक्त वो सारे पैसे मैंने अनाथ आश्रम और स्कूल में डोनेट कर दिए थे। अब अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा ना, तो मैं सबसे कह दूंगी कि मेरे विरोधियों की ये मुझे फंसाने के लिए एक चाल है और कुछ नहीं। इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना ये मत भूलो, तुम्हारी गवर्नमेंट अगर चल रही है तो हम जैसे बिजनेसमैन की वजह से
समझ गई ना? तुम जैसे धमकी देने वाले न जाने कितने बिजनेसमैन जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं। तुम्हें भी खानी है तो बताओ। तुम जैसे लोगों के आगे झुककर अपनी कुर्सी बचाने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैं अपने सपनों को कुर्बान कर सकती हूँ, पर आदर्शों को नहीं। Now get the hell out of here. You? एक आम इंसान की तरह समझा रही हूँ। अगर सीएम की तरह ऑर्डर कर दिया ना, तो जिंदगी भर अफसोस करोगे कि आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ। Wow, beautiful. Fabulous. Oh. Hi, Kirti. तुम वहीं क्यों रुक गई? Sir, आपका घर तो मुझे मैसूर का जू जैसा लग रहा है क्या? नहीं, पैलेस जैसा लग रहा है। बैठो, नाश्ता करो। It's okay, sir. नाश्ता करने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दोबारा पूछने की आदत नहीं है। यहाँ का टेस्ट लग जाएगा तो डेली आएगी। सर, 11:30 बजे बैंक ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग है, एंड एरिया सर्वे के लिए एक टीम भेजनी है। हाँ। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, ये कीर्ति है, मेरी माँ। नमस्ते माँ जी। बहुत टैलेंटेड है, इस वक्त नए प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रही है। मेरा बेटा किसी को करीब आने नहीं देता, तुम बहुत लकी हो। सर, कोई स्फूर्ति नाम की मैडम आई है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। हाय स्फूर्ति। हाय, आप कैसी हैं माँ जी? मैं ठीक हूँ बेटी, बैठो ना। जी। दो दो लड्डू आ गए तो काले जामुन का क्या काम, मैं निकलता हूँ। नाश्ता कर लो बेटी। मैं नाश्ता करके आई हूँ। कल हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, आप लोगों को जरूर आना है। कैसा फंक्शन? मैं एक बच्ची को गोद ले रही हूँ, आपको आकर उसे आशीर्वाद देना है। जरूर आएंगे। अब मैं चलती हूँ। स्फूर्ति, शी इज कीर्ति। हाय। हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। कल आप भी आइएगा। श्योर। अब मैं चलती हूँ। ओके। मम्मी, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। ये। अरे ये क्या हुआ इसे? He's coming. इतना बिजी मैन और yes, मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर आ रहे हैं। You know, जब मैं उनके घर गई ना, तो उन्होंने खुद मेरा स्वागत किया। सच में उसने आकर इसे किया? Yes, मुझसे कहा कि यहाँ बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो। फंक्शन के लिए जब बुलाया तो I will come ऐसा कहा। अच्छा। इतना ही नहीं, वो मुझे बाहर तक छोड़ने भी आए। फाइनली उन्होंने क्या कहा जानती हो? आप एक बच्चे को गोद ले रही हैं, फिर आपकी शादी, बच्चे, इसका कोई आइडिया नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे साथ रहेगी। अपंग बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे, HIV पीड़ित, जिन्हें दुनिया नफरत से देखती है, वो भी उन्हीं की देन है। उन्हीं बच्चों में से ये भी एक बच्ची है। मतलब हैंडीकैप है? नहीं, HIV पॉजिटिव। ये नाम सुनते ही कितने लोग भाग खड़े होते हैं। ऐसे बच्चे को आप गोद ले रही हैं। Really, you are great. That's why I like you so much. That's why I like you, ऐसा कहा। अरे यार, जी काम कर यार। उसमें नहीं, ऊपर से खींच रहा वो। अरे फूल कम पड़ रहे हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है इंतजार करना। तुम सब इंतजार करने के लिए पैदा हुए हो, और तुम्हारा दोस्त इंतजार